शुरू करता हूँ उस पाक परवरदिगार के नाम से जिसके कब्जा कुदरत में आपकी और मेरी जान है। सुनते कानू देखती आंखों को आपके मेजबान शिराज का सलाम पहुंचे। प्यारे दोस्तों, चाइना ने अपना जदीद तरीन जंगी तियारा पाकिस्तान को देने का फैसला कर लिया है। क्या पाकिस्तान चाइना से जदीद तरीन तियारा खरीदने जा रहा है? इस हवाले से एक इंतहाई अहम खबर निकल कर सामने आई है जिसे देखकर भारतीय फिजाइया और मीडिया की चीखें निकल गईं। दोस्तों, राफेल और अमेरिकन F-35 के मुकाबले में पाकिस्तान चाइना से यह जदीद तरीन जंगी तियारा कब खरीदेगा? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं। मगर वीडियो की तमाम तफसीलात में जाने से पहले इस बिरवाइत उन तमाम दोस्तों का बेहद मशकूर हूँ जो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, और साथ ही नए आने वाले तमाम दोस्तों से इंतहाई मुद्दाना इल्तमास करता हूँ कि पहले वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। तो आइए नाजरीन, चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। दोस्तों, चाइना का J-35 जंगी तियारा जिसका शुमार अब दुनिया के बेहतरीन लड़ाका तियारों में किया जाता है। दोस्तों, ये तियारा इतना जदीद है कि लड़ाई में अमरीकी F-35 का भी मुकाबला कर सकता है। दोस्तों, इस तियारे की मुकम्मल तैयारी का मनसूबा आखिरी मराहल में पहुँच चुका है और तियारे के बारे में माहरीन की जानिब से तवक्को की जा रही है कि साल 2021 तक ये जंगी तियारा पाक फिजाइया का हिस्सा बन जाएगा। और दूसरी जानिब दिफाई माहरीन का कहना है कि इस तियारे की तैयारी के बाद पाकिस्तान और चाइना की एयरफोर्स इंतहाई जदीद हो जाएगी। नाजरीन मोहतरम, भारत रूसी और फ्रांसीसी जंगी जहाज़ खरीद कर पाकिस्तान के सामने मुश्किल खड़ी करने की कोशिश कर रहा है, जो अब भारत की ये कोशिश भी नाकाम हो चुकी है। दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास दुनिया का इंतहाई जदीद तरीन चाइनीज J-35 जंगी जहाज आने वाला है जो भारतीय राफेल और सिखोई तैयारों को फिजा में ही मार गिराने की खूब सलाहियत रखता होगा। नाजरीन ग्रामी, अगर बात की जाए J-35 जंगी तैयारे की तो ये एक 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा। इसकी कीमत दूसरे जंगी जहाजों के मुकाबले में इंतहाई कम है और टेक्नोलॉजी अमरीकी, रूसी और फ्रांसीसी तैयारों से ज्यादा एडवांस है। दोस्तों, माहरीन की जानिब से तवक्को की जा रही है कि पाकिस्तान चाइनीज J-35 जंगी जहाज खरीदेगा क्योंकि ये जंगी तैयारे पाकिस्तान का दिफा मजबूत करने के अलावा भारत, अमेरिका और इसराइल के लिए सरदर्द भी बनेगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद, पाक आर्मी पाई जिंदाबाद और अपने गुमनाम हीरोज का नाम नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, चाइना के J-35 तैयारी के बारे में आपकी क्या राय है? क्या वाकई पाकिस्तान को J-35 तैयारा खरीद लेना चाहिए या नहीं? दोस्तों, इस बारे में भी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करना है ताकि दुश्मन को पता चल सके कि पाकिस्तान के पास वाकई इतने खतरनाक तैयारे मौजूद हैं जिनके बारे में दुश्मन सोच भी नहीं सकता। दोस्तों, अपने नाइस कमेंट का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मैं आपके नाइस कमेंट का इंतजार करूंगा। मेरे प्यारे नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे थे राइट पॉइंट शिराज के साथ। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट्स बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, ISI जिंदाबाद और अपने गुमनाम हीरोज के नाम नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे हमवतनों, मैं रोज़ पाकिस्तान की किसी न किसी डिफेंस टेक्नोलॉजी की वीडियो अपलोड करता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए अपलोड करता हूँ ताकि दुश्मन को पता चल सके कि पाकिस्तान से किसी भी सूरत में पंगा लेना महंगा हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास ऐसी ऐसी खतरनाक तरीन टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं कि सिर्फ एक बटन प्रेस करने की देर है कि दुश्मन मुल्क मिट्टी का ढेर बन जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं इसलिए आपसे इंतहाई मुतमाना इल्तमास करता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान के किसी भी डिफेंस पावर के बारे में कोई मालूमात रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उस पर रिसर्च करके उसे दुश्मन के सामने आश्कार कर सकूं, क्योंकि हमारे गुमनाम हीरोज हमेशा अपने वतन अजीज़ इस सरज़ पाक के साथ अहद वफा किए हुए हैं। इसीलिए मेरे प्यारे हमवतनों, हमें चाहिए कि हर कदम पर उनका बढ़ चढ़ कर साथ देना चाहिए ताकि उनमें हौसला, हिम्मत, जवामर्दी और भी ज़्यादा बढ़ सके। दोस्तों, वैसे भी पाकिस्तान पर अल्लाह पाक का खास फजल व करम रहता है और हमारे पास अल्लाह पाक की दी हुई बड़ी नेमत, हमारे पास पाक आर्मी और एयरफोर्स है जो हर कदम पर हमारी जान के मुहाफिज हैं। दोस्तों, इसलिए कहता हूँ कि इन्हें हमेशा अपनी खास खास दुआओं में ज़रूर याद रखा करें और अपने वतन अजीज़ के लिए भी दुआ किया करें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमेशा की तरह मेरी ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में दोस्तों मेरी वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि मेरी ये वीडियो दुश्मन तक पहुंच सके और दुश्मन इसे सुनकर आप दीदा हो जाए कि पाकिस्तान के पास ऐसी ऐसी खतरनाक तरीन टेक्नोलॉजी कहां से आती हैं और पाकिस्तान ऐसी ऐसी खतरनाक तरीन टेक्नोलॉजीज कैसे बना लेता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी हर नई वीडियो आप ज़रूर शेयर किया करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, अब तक की अपडेट्स के लिए इतना ही। नई वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए, अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अपने मेज़बान शिराज को इजाज़त दीजिए, अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगेबान।